आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 के मैथ्स के एडिशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारे पास पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस इस तरीके के मुताबिक सॉल्व करने हैं। हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड 4 कॉलम्स हैं और उसमें हमारे पास 2 फिगर्स हैं। फर्स्ट फिगर है 5734, जिसको एडेंट कहते हैं। सेकंड फिगर है 1764, जिसको एडेंडा कहते हैं। हमने इन दोनों फिगर्स को प्लस करना है, जो इनका आंसर आएगा उसको सम कहेंगे। जब हम एडिशन शुरू करते हैं तो हम वंस से शुरू करते हैं, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड को ऐड करते हैं। मतलब हम राइट टू लेफ्ट एडिशन का प्रोसेस करते हैं। हम अपने एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वंस का। वंस में है 4 + 4। 4 + 4 हमारे पास होता है 8। आपने 8 को वंस के कॉलम में 4 + 4 के बिल्कुल नीचे लिखना है। अब हम टेंस का कॉलम सॉल्व करेंगे। टेंस के कॉलम में हमारे पास हैं 3 + 6। 3 + 6 हमारे पास होता है 9। अब हम 9 को टेंस कॉलम में 3 + 6 के बिल्कुल नीचे लिखेंगे। अब हम 100 कॉलम्स को सॉल्व करेंगे। 100 में हमारे पास हैं 7 + 7। 7 + 7 होता है 14। अब हमारे पास 14 में 2 डिजिट्स हैं, 4, 1। 4 को हम 100 कॉलम में 7 + 7 के बिल्कुल नीचे लिखेंगे। और सेकंड नंबर 1 को हम 1000 कॉलम में 5 के ऊपर कैरी करेंगे। अब हम 1000 कॉलम को सॉल्व करेंगे। 1000 कॉलम में हमारे पास है 1 + 5 + 1। 1 + 5 + 1 इज इक्वल टू 7। अब हम 7 को 1000 कॉलम में लिखेंगे। स्टूडेंट, हमारा आंसर है 7498। इस आंसर को सम कहते हैं। स्टूडेंट, पेज नंबर 43 पे बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो आपने इस मेथड के मुताबिक सॉल्व करने हैं।